जीवन में कई बार ऐसी समस्या बन जाती है जिससे हमारा दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिल पाता। साथ ही कई बार हम किसी की मदद करने के चक्कर में दोस्त या रिश्तेदार में बड़ी मात्रा में पैसा दे देते हैं, लेकिन वह रिश्तेदार या दोस्त पैसे लौटाने में आनाकानी करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका पैसा फंस जाता है। इसके लिए आपको कुछ सरल और आसान टोटके करने होंगे, जिन्हें करने से आपका फंसा हुआ धन आपको वापस मिल सकेगा। ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक ने बताया कि शास्त्रों में उधार दिए गए धन को प्राप्त करने के लिए कुछ आसान और सरल टोटके बताए गए हैं। इनको करने से लिए कोई सा भी दिन निर्धारित है और क्या समय होता है, इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। तंत्र शास्त्र में ऐसी कौन सी वह टोटके की चीज है जिससे टोटका करने से हमें पैसा वापस मिलेगा, जानिए। देखिए, कई बार आवश्यकता पड़ने पर हमको हमारे प्रिय मित्रों को या स्वजनों को या कोई इष्ट मित्र है उसको उधार धन देना पड़ता है, और जब हम हमारे किसी मित्र रिश्तेदार इष्ट मित्र को धन देते हैं तो ऐसी परिस्थिति भी बनती है कि हमें हमारा ही धन वापस प्राप्त करने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है, पर धन रुक जाता है, पर धन फंस जाता है। तो कई बार ऐसी भी परिस्थिति बनती है कि धन डूब जाता है। ऐसी स्थिति में जब हमको हमारे ही धन की आवश्यकता हो तो हमको बहुत परेशान होना पड़ता है। तो हमारे शास्त्रों में कुछ उपाय बताए गए हैं, उन उपायों को हम आपको बताते हैं। यदि व्यक्ति इन उपायों को करता है तो निश्चित ही भगवती की कृपा से वह रुका हुआ धन जो है वह वापस प्राप्त हो सकता है। सबसे पहला उपाय है ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, जो इन धार्मिक ग्रंथों में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यह ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का यदि हम नित्य प्रति पाठ करते हैं तो इसका पाठ करने से रुका हुआ धन हमको निश्चित ही वापस ही प्राप्त होता है, और यदि हमारे ऊपर भी कोई ऋण या कर्जा हो गया है तो वह कर्जा समाप्त होता है। दूसरा उपाय यह है कि नित्य प्रति गाय को हरा चारा और गुड़ यदि हम खिलाते हैं तो ऐसा करने से भी हमारा रुका हुआ धन जो है वह वापस हमको प्राप्त होता है। हमको कभी किसी को बुधवार के दिन धन उधार नहीं देना चाहिए। यदि हम बुधवार के दिन धन उधार देते हैं तो निश्चित ही वह फंस जाता है। यदि बुधवार के दिन हम ऋण लेते हैं, कर्जा करते हैं स्वयं, तो हमारे सामने भी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि हम उस ऋण को खत्म करने पटाने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए कर्जा लेने या कर्जा देने के लिए बुधवार के दिन का पूर्णतः परित्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार की मान्यता मंगलवार के साथ भी है। मंगलवार के दिन ऋण देना भी नहीं चाहिए, ऋण लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन यदि हमने किसी से ऋण लेकर के रखा है, हमने कोई बैंक से ऋण लेकर के रखा है या किसी व्यक्ति से ऋण लेकर के रखा है, तो मंगलवार के दिन उसकी किस्त हमको पटाना चाहिए। यदि मंगलवार के दिन हम ऋण की किस्त पटाते हैं, ऋण का थोड़ा सा हिस्सा पटाते हैं, तो मंगल ग्रह के प्रभाव से, मंगल के शुभ प्रभाव से बहुत शीघ्र ही हमारा ऋण जो है वो समाप्त हो जाता है, पूर्ण रूप से वह किस्त जो है वो पट जाती है। धन वापस पाने के लिए प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, श्री सूक्त से भगवती का हवन करना चाहिए, और शुक्रवार के दिन भगवती के सामने 5 या 7 कौड़ी रख करके लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए, और फिर इन कौड़ियों को जो है हमारी तिजोरी में या अलमारी में या हम धन रखते हैं वहां रखना चाहिए। ऐसा करने से भी धन वापस आने के हमको संकेत प्राप्त होते हैं। और एक उपाय और है, वह हमारे धार्मिक मान्यता अनुसार नहीं है लेकिन वह भी धन वापस प्राप्त करने का एक टोटका है। शुक्रवार के दिन हमको एक नया ताला खरीदना चाहिए, लेकिन इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम जब दुकान पर ताला खरीदने जाएं तो वह दुकानदार हमको ताला खोल करके दिखाता है, चेक करता है, तो हमको वह खुला हुआ ताला नहीं लेना है। दुकान पे जाकर के एक बंद ताला खरीदें और उस बंद ताले को हमको हमारे घर पर लेकर के आना है। घर पे ला करके भी उस ताले को नहीं खोलना है, हमारे शयन कक्ष में उस ताले को बंद की ही स्थिति में शयन कक्ष में रख दें, और शुक्रवार के दिन उसको रखना है, और शनिवार के दिन प्रातः काल स्नान इत्यादि करके उस नए ताले को चाबी सहित बंद की स्थिति में अपने घर के निकट जो मंदिर है उस मंदिर में ले जा करके समर्पित कर दें। ऐसा करने से भी धन की आवक बढ़ती है, रुका हुआ या फंसा हुआ धन हमको वापस प्राप्त होता है।